हरदोई से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। बाढ़ से जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराएं डीएम मंगला प्रसाद सिंह। बाढ़ पीड़ितों परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी, मंगला प्रसाद सिंह। सवायतपुर तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के उपरांत जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के साथ बाढ़ से प्रभावित ब्लॉक हरपालपुर के ग्राम बरहुली का निरीक्षण किया तथा कटान से प्रभावित गांव 9 परिवारों से मुलाकात कर हाल चाल जाना तथा उप जिलाधिकारी सवायतपुर को निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाए और उन्हें समय पर राहत सामग्री वितरित कराएं तथा कटान होने वाले स्थान पर तत्काल बॉस से बैरिकेडिंग कराएं ताकि लोग कटान की तरफ न जाएं। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी हरपालपुर तथा ग्राम प्रधान को निर्देश दिए कि जिन लोगों के मकान बाढ़ की कटान से नदी में बह गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराएं। इसके बाद जिलाधिकारी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाढ़ से प्रभावित रह रहे परिवार के लोगों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार, बीडीओ कानू को तथा लेखपाल आदि उपस्थित रहे। गांव बरहुली में आए हुए हैं और यहां रामगंगा नदी के कारण कुछ परिवार प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि रामगंगा नदी में पानी जलस्तर बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से जो रामगंगा नदी के किनारे के घर हैं वो कटान से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि अभी कटान ऐसी हुई नहीं है, पर चूंकि रामगंगा नदी के किनारे हैं वो सब मकान, करीब 9 परिवार हैं उनके जिनके मकान बने हुए हैं, तो उन्हें कोई खतरा ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ प्राथमिक विद्यालय बरहुली में एक केंद्र बनाया गया है जहाँ इनको सबको शिफ्ट कर दिया गया है। अभी हमने और पुलिस अधीक्षक ने और पुलिस टीम ने जाके मौके पर देखा, उन लोगों से बातचीत भी की। सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया कि आज पानी 4 बजे के बाद स्थिर हुआ है और कल से पानी कम होना प्रारंभ हो जाएगा, तो उम्मीद है कि अब कटान शायद न हो, लेकिन कटान न हो सके और कटान से कोई प्रभावित न हो सके परिवार, उसका मकान प्रभावित न हो, इसके लिए सिंचाई विभाग को मैंने कहा है अभी 2 घंटे के अंदर इसकी बैरिकेडिंग कराते हैं और आसपास के लोगों को ये हम अनुरोध करेंगे कि वहाँ लोग न जाएँ और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।